कल्याणपुर रहने वाली युवती ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी सहेली उसको पार्टी की बात कहकर गोविंद नगर आई थी, लेकिन जब गोविंद नगर की जगह सहेली बर्रा के होटल सोना मेंशन में ले आई, जिसके बाद पार्टी की बात कहकर नशीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद युवती को होश नहीं रहा। वहीं युवती के साथ दो युवक अभिषेक और आशीष ने दुष्कर्म कर दिया, जिसके बाद सहेली ने घर के पास जाकर छोड़ दिया। वहीं युवती ने थाने आकर सहेली व दो युवकों के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठाए रखा, जिसके बाद सोशल मीडिया में खबर चलने के बाद युवती की तहरीर पर मेडिकल के लिए भेज कर कार्यवाही की बात कही। वहीं बर्रा इंस्पेक्टर हरमीत सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता गुलाब शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। क्या मामला? मेरे साथ जबरदस्ती की गई है, पूरी तरीके से रेप किया गया, मैं होश में भी नहीं थी बिल्कुल। कब का मामला, किसके साथ? ये कल में 11 बजे उन्होंने मुझे, मेरी जो लड़की थी मोनिका, उसने मुझे 11 बजे बुलाया था, लेकिन जाना वहाँ 12 बजे था। उसके पहले उसने मुझे बुलाया और बोला कि ये कि गोविंद नगर का एक घर है भैया का, जिनका बर्थडे है, वहाँ पे जाना है। लेकिन वो जानबूझ के उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसके बाद वो सचान चौराहा के उस लड़कों का फ़ोन आया होगा, उसके बाद होटल लेके गई। मेरे पास कोई आईडी नहीं थी, फिर भी होटल वालों ने एंट्री दी। हमको ये लगा था कि नीचे कैबिन वगैरह है, वहाँ पे मतलब पार्टी चलेगी। मुझे होटल सोना मेंशन। तो कौन फ्रेंड थी आप, कब से उसको जानते हैं? 3 साल हो गए उसको जानते जानते मुझे। जो लड़के थे, कौन-कौन थे? मैं उन लड़कों को नहीं जानती थी, उसमें से एक उसका बॉयफ्रेंड था अभिषेक, और जो दूसरा लड़का था उसका नाम था आशीष। आपके साथ कितने लोगों ने मिलकर गलत काम किया? मुझे होश नहीं था जब मेरे पास जब मुझे होश आया था, जब बैक में पेन हुआ है, तब मैंने एक ही लड़के को देखा था, उसका नाम आशीष है। कहाँ रहता है, उसको क्या जानती हो? मैं उसे नहीं जानती थी, ये सब मोनिका का किया धरा है, मोनिका उसको जानती है। अभी कब से आप थाने आई हुई है? मैं सुबह 9:30 बजे यहाँ आ गई थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बल्कि यहाँ पे जितने लोग आते हैं सब पूछते हैं हुआ क्या, तमाशा हो रहा है क्या यहाँ पर? मेडिकल के लिए आपको भेजा गया है? बिल्कुल नहीं भेजा गया है। यहाँ पे खुद कैंडिडेट आते हैं, 2 बजे तक बैठाल के रखते हैं, ऊपर से बोलते हैं मेडिकल वाला बंद हो गया। अभी कितना समय हो गया सुबह से बैठी हैं? सुबह मैं 9 बजे आई थी, आई थिंक अभी 5 बज चुका है। पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया है। होटल कौन सा था, क्या नाम था होटल का? सोना मेंशन, सचान चौराहा के जस्ट बगल में। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लड़कों को फांसी चढ़ा दिया जाए। अभी हथरस वाला भी काम हुआ तो क्या उसमें लड़की ने खुद कहा था कि आके करो आके? यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारी मेरी गलती है, अगर हम पार्टी में जाते हैं फैमिली के साथ भी तब भी हमारे साथ रेप हो जाएगा, तब भी क्या मेरी गलती होगी क्या? हाँ मैंने जब जैसे कि उसमें जो हाँ दारू पिलाई गई थी, तो उसमें जब सेकेंड बार उन लोगों ने कुछ दिया है तो मुझे उसको पीने के बाद बिल्कुल होश नहीं था। मेरी बॉडी से कब कपड़े तक उतरे मुझे ये तक पता नहीं चला है। अरे बेशर्मी की हद होती है, और कहा जा रहा है कि मैं छोड़ दूँ उनको, क्यों छोड़ूँ? मैंने गलती करी है क्या? सब कह रहे हैं मेरी गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे। यहीं पर सब लोग कह रहे थे पुलिस स्टाफ कह रहा है या कोई और दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, पुलिस स्टाफ कह रहा है, पुलिस स्टाफ कह रहा है, बोल रहा है कि आपकी गलती है, आपको नहीं जाना चाहिए था। एक्चुअली एक तो बोल रहा है कि आपको आभास होना चाहिए। मैं क्या भगवान हूँ क्या जो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है? तो सुशांत क्यों मरता, या जो अभी वो हुआ था निर्भया कांड, उसको भी पता चल जाता है कि बस में जाऊंगी तो मेरे साथ ये सब होगा? क्या थाने आई, क्या थाने में आपको मजाक बनाया गया क्या? सबके साथ मजाक ही तो बना रहे हैं, जो आ रहा है सब पूछे जा रहा है क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या आप कपड़े उतार के दिखाऊं क्या कि मेरे साथ ये सब हुआ है? वहाँ पर दो लड़के मिलते हैं जो बुलेट से, ठीक है, वो बोलते हैं उसमें नहीं, ये इसमें बुक किया गया है। तो ये कहती है कि इसने बोला कि रूम है, वो ये तो होटल है, तो इसने बोला होटल नहीं है, ऊपर घर है, ऊपर घर है। तो अगर वो होटल था तो इसकी आईडी क्यों नहीं लिखी? कल मैंने 4:30 बजे के आसपास पुलिस को 112 नंबर पर कंप्लेंट करी थी, तो वो छापा मारने गए थे, तो जब तक वो मतलब रूम चेक करते उससे पहले होटल वालों ने क्यों भगा दिया पीछे से? इसको इतना होश नहीं था कि इसको 9 बजे होश आया कि जब वहाँ क्रॉसिंग में खड़ी हुई तब इसको होश आया। 11 बजे ये सुसाइड करने जा रही थी, जब मैं इसको वहाँ से लेके आया तब इसको मैंने इसके घर छोड़ा। जाए वहाँ पर
वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर वो ये जाती है, इसके साथ वो लड़की थी इसकी जो इसके भरोसे पर लेकर आई थी। उसके बाद वहाँ पर दो लड़के थे, जो दो लड़के, एक का नाम अभिषेक बताया गया है और एक का नाम आशीष बताया गया है। आपकी कौन है? मेरी मेरी ये मतलब हम दोनों एक साल से डेट कर रहे हैं, एक दूसरे को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड।